अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं? मैं जुलेखा अरफात। मैं तो बहुत अच्छे से हूँ। मेरी रमजान तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से जा रही है। रोजा, नमाज, कुरान, माशाल्लाह बहुत ही, इस साल तो बहुत ही बढ़िया जा रही है। 2 साल से थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, बट इस साल तो बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में भी, नमाज कुरान पढ़ने में भी, इबादत में और पकाने में भी। और आप लोगों की रमजान कैसी जा रही है? आप लोग इंजॉय कर रहे हो कि नहीं रमजान, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज मैं टोटली फ्री हूं तो मैंने सोचा कुछ बना लेती हूँ, तो आप लोगों के साथ शेयर भी कर लूंगी व्लॉग। और हाँ, कुछ बना लेती हूँ मतलब मैं रोज बना रही हूँ, ऐसा नहीं है। मतलब मेरा बोलने का मतलब था, मुझे ना किसी के घर से आया था तो मैंने भेजा नहीं था उन्हें वापस, तो अब मेरी भी बारी है, मुझे भी भेजना चाहिए ना। इतने प्यार से उन्होंने मुझे बना के भेजा था और इतनी मेहनत से बना के भेजा था, मैंने सोचा 2-3 चीज मैं बनाकर उन्हें भेज देती हूँ। और ऐसा नहीं, मैं खुद के लिए बना रही हूँ, मेरे घर के लिए, तो एक्स्ट्रा बना लूंगी तो उनको भी चला जाएगा, उनको भी मैं भेज दूंगी, उन्हें भी मजा आएगा, वो भी थोड़ा दुआ देंगे, मैंने उन्हें थोड़ी दुआ दी है, आप लोग भी मुझे दुआ दीजिएगा। तो चलिए, आज मैं टोटली फ्री हूँ तो आज मैं बना रही हूँ 2-3 आइटम्स और आपको शेयर करती चलती हूँ और तो व्लॉग भी बनाती चलती हूँ। तो चलिए देखते हैं आज का व्लॉग, मजा आएगा। मैं सबसे पहले तो चनों को बॉईल कर लेती हूँ, मैंने भिगा दी थी कल रात को, अब क्विकली चने को बॉईल कर लेती हूँ। ग्रीन फॉइल चिकन, अरफात को बहुत दिनों से खाना था तो मैं अभी वही बना रही हूँ। वैसे मुझे रेड फॉइल चिकन भी उन्हें बनाकर भेजनी थी, बट मैंने 1-2 दिन पहले ही बना ली, तो अब मैं क्या वापस बनाऊँ ना। अब उनको बनाने के लिए 2-3 ही कहाँ बनाऊंगी, तो इसके लिए अब मैं एक साथ ज्यादा 1 किलो चिकन बना लेती हूँ, 2-3 पीसेस उनको भेज दूंगी। मैं फटाफट इसका भी प्रिपेरेशन कर लेती हूँ, ग्रीन फॉइल चिकन का। अच्छा, इसकी रेसिपी आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन बनते हैं ये घर में, मजा आ जाएगा आपको। इसका रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। अच्छा, अगर आपको रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर नहीं मिलता है तो आप क्या कीजिएगा मालूम है? ग्रीन फॉइल चिकन बाय जुलेखा किचन लिखेंगे ना यूट्यूब चैनल के ऊपर, आपको मेरी रेसिपी मिल जाएगी। और एक बात और मेरे को आपको बतानी है, रेड फॉइल चिकन भी बहुत ही मजेदार बनती है और उसकी भी लिंक मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल देती हूँ। उसका भी नहीं मिलता आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप टाइप कीजिए रेड फॉइल चिकन बाय जुलेखा किचन यूट्यूब चैनल के सर्च बटन पे, आप अगर ये दोनों चीजें लिखेंगे आपको दोनों रेसिपीज मिल जाएगी। बनाइए मेरे साथ, कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा कि आपको रेसिपीज कैसी लगी। और चलिए मैं अभी बस काम कर रही हूँ अपना। चलिए, मैं बिस्किट पुडिंग बना रही हूँ। मेरी ग्रीन फॉइल चिकन कंप्लीट हो चुकी है, मैं अभी बिस्किट पुडिंग बना रही हूँ, तो उसके लिए चॉकलेट के पीसेस कर रही हूँ। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे उन्हें भेजना है, जैसे मैंने आप लोगों से कहा था मैं आज फ्री हूँ तो इन्हें भेज रही हूँ। नमाज वगैरह सारी हो चुकी है मेरी, कुरान शरीफ भी हो चुका है, तो इसमें दायरा पढ़ने को भी आया हूँ, अच्छा लगे उनको। अच्छा, तो अब मैं घर के लिए बना रही हूँ, ये वाला मेरा घर का है। अरे
चलिए ये भी हो जाएगा मेरा। और अब बचेंगे चने। चने मैंने बॉईल करके रखे हैं, बस अभी बगाड़ देती हूँ तो मैं भी फ्री हो जाऊं। ये मैं इसके लिए कर रही हूँ क्योंकि फ्रिज के अंदर रखते हैं ना तो एक हल्की सी स्मेल आ जाती है, तो वो अरफात को पसंद नहीं आती है। तो यूजुअली मैं इससे नहीं कवर करती हूँ, फिल्म होती है ना वो जो ट्रांसपेरेंट वाली, उससे करती हूँ, बट वो अभी मेरी खत्म हो चुकी है। मैं खुद इतनी कंफ्यूज हो जाती हूँ कभी कभी कि मुझे भी मेरी रेसिपी देखनी पड़ती है। कभी कभी मैं खुद भी, इतनी सारी रेसिपीज होती है माशाल्लाह, इतनी वीडियोस हैं, 450। अच्छा 450, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह 450 वीडियोस हैं। सो मैं भी कभी कभी मिस्टेक आ जाती हूँ कि कौन सी वाली बनानी कौन सी वाली नहीं, तो इसके लिए मैं खुद भी देख लेती हूँ, तो मैं अभी वही कर रही हूँ। चलिए मेरा ये हो चुका है और मैं जा रही हूँ सोने। ये देख लीजिए मेरे चने भी बन गए हैं माशाल्लाह। अब शाम को इसमें सब सारा डालूंगी और अब मैं चली सोने। बाय बाय। अच्छा 6:45 बज गए, मैं थोड़ा लेट हो गई हूँ, जल्दी जल्दी करना है मुझे। अच्छा मुझे एक बात कहनी थी कि हम लोग नए नए ब्लॉगर बने, समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रही हूँ क्या नहीं, तो थोड़ी सी आप लोग मुझे मदद कर दीजिए कि कुछ ज्यादा अगर किचन का आपको लग रहा है तो मुझे फीडबैक दीजिए कमेंट के अंदर के बहुत ज्यादा जुलेखा फीडबैक मतलब किचन के अंदर ज्यादा हो रहा है तो आप थोड़ा बाहर का दिखाइए, या मैं सही कर रही हूँ कि मैं गलत कर रही हूँ, तो मुझे थोड़ा सा आप लोग फीडबैक दोगे तो मेरे लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि हम नए नए ब्लॉगर बने, हमें ना ही वीडियो बनाने आते हैं ना ही ये सब आते, हम तो बिहाइंड द सीन्स वाले लोग हैं। सो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। एक्चुअली मैंने ये कल बनाया था चिकन चीज कबाब, अगेन इसकी रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है आप लोगों के लिए, या फिर टाइप कीजिए चिकन चीज कबाब बाय जुलेखा किचन यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। ये मैंने कल बनाई थी और फ्रीज करके रख दी थी, मुझे पता था मुझे सामने किसी को भेजना है तो थोड़ी हम लोगों ने खा ली थी 10-12, बाकी 4-5 मैंने ऐसा फ्रीज करके रख दी थी। अभी मैं वो भी फ्राई करके वो भी फटाफट रेडी कर लेती हूँ। चलिए बाबा मेरे ये सारे बन चुके हैं, मैं फटाफट पैक करके भेज रही हूँ जजाकअल्लाह खैर बोलकर, और अब मैं जाऊंगी किचन में अपना दूसरा आगे का काम करने क्योंकि घर का भी है। सबसे इम्पोर्टेंट तो चाय है, चाय चाहिएगी, मैं इसी समय चढ़ा देती हूँ समथिंग 7:45 बजे ही, सो दैट जैसे ही ना खा लें और नमाज पढ़ लें तो क्विकली चाय मिल जाए, बहुत जरूरी है, नेसेसरी है। चलिए बड़ी मेहनत के बाद सब बन चुका है, ये है चटपटा चना चाट माशाल्लाह बेहद टेस्टी तो लग ही रहा है, ये है फ्रूट चाट, इसमें मैं थोड़ा सा ये जो चाट मसाला होता है वो डालकर हम खाते हैं बहुत ही मज़ा आता है, और ये है बिस्किट पुडिंग और ये है ग्रीन फॉइल चिकन। ग्रीन फॉइल चिकन मैंने फॉइल में नहीं डाली, ऐसे ही प्याली में निकाल ली है। ये सारी चीज़ बन चुकी है माशाल्लाह, दस्तरखान सज चुका है, बिछ चुका है सारा, और अब हम बैठते हैं। ये समय बैठ कर दुआ मांगने का है, जितना मांग सको, कहते हैं अल्लाह सुबहाना ताला इस समय जो दुआओं के हैं दरवाजे खोल देते हैं, तो सारे कुल मोमिन मुसलमान के लिए दुआ मांगिए, परेशानियाँ सबकी दूर हो जाएँ, जो भी प्रॉब्लम्स है सब दूर हो जाए। और अभी अजान हो चुकी है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर दुआ पढ़ने के बाद हम लोगों ने ये खा लिया है खजूर, और यहाँ हमारे पास शरबत नहीं है, ख़त्म हो चुका है वो जो रूह अफ़ज़ा, तो यहाँ हमारे पास जो साइड पर रखा था वो शरबत क्रैनबेरी वाला, ये हम पी रहे हैं, और मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा है ये शरबत में, अरफात को भी नहीं आ रहा है, बट अभी क्या करें, अभी आज के लिए कुछ था नहीं हमारे पास, तो यहाँ चाट मैं निकाल रही हूँ, अरफात को भी दिया और मैं भी खा रही हूँ और अजान को भी थोड़ा दे रही हूँ। इसी तरीके से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के हम पूरी फैमिली खाना खा रहे हैं और मज़ेदार से इंजॉय भी कर रहे हैं। आई एम श्योर आप भी सब इंजॉय कर रहे होंगे, आप भी खाइए पिए इंजॉय कीजिए और दूसरों को भी खिलाइए, आप खुद भी खाइए और दुआ कीजिए दूसरे लोगों के लिए और खुद के लिए भी दुआ कीजिए, और
हाँ, ये किसी भी तरीके का शो ऑफ नहीं है। मैं जानती हूँ हम सब इतना बनाते हैं माशाल्लाह। इनफैक्ट मैं तो कभी कभी एक या दो ही आइटम्स बनाती हूँ, आज थोड़ी एक दो से ज्यादा बन गई थी। हम सब बनाते हैं माशाल्लाह, हम सब इतना दस्तरखान सजाते हैं रमजान में, और हम सबको अल्लाह बरकत दे, आमीन। इसको दे दो लेग पीस खाने के लिए। लेग पीस आएगा डालू? हाँ, बट इसमें डालना गोले वाले। पर पूरी लेग पीस पकड़ के डालू? खाएगा ये? पूरी नहीं खा पाएगा बाबू। खा पाऊंगा ना, खा पाऊंगा ना। चलो यहाँ पर रख ले, खा के बोलो कैसा है तो मम्मा को भी पता चले। ओ वादा, मीठा खाया ना? नहीं, मीठा है तो देखने में अच्छा है। देखने में ही अच्छा है। पर मैंने अभी तक टेस्ट नहीं करा। तो टेस्ट करोगे तो पता चलेगा ना कैसा लगा आपको। पर देखने में तो चीन कैसा है? मैंने बोला तो था। आपने बोला तो था। सारा बहुत अच्छा बना है। चने तो काफी दिनों से मिस कर रहा था ना, फाइनली आ गए चने। थैंक यू। मामा वाओ, आपने ये चिकन और मीठा बहुत अच्छा लगा। पर मीठा खाए कब हुआ पिता? हमने देखे अच्छा है। देखने में अच्छा है भाई। देखने में अच्छा है। देखने में ही पता लग गया कि कितना अच्छा है। देखते ही पता चल गया कि ये कैसा बना है। और चॉकलेटी बना है। हाँ, चॉकलेटी बना है। मम्मा की सारी रेसिपी तो क्या करूं? थोड़ी सी दे दो, इससे जायके के लिए होती है। पेट थोड़ी भरना होता है, पेट थोड़ी भरना होता है इससे। चलो जाओ, मैं चाय के लिए। तुम जाके तुम्हारा बुक चालू करो, मैं उसमें डिक्टेशन ले रही हूँ। मम्मा, जब तक आप मुझे मीठा नहीं देते तब तक मैं साटे करूंगा। क्या आप लोग के बच्चे भी इसी तरीके से परेशान करते हैं आप लोगों को? राइट, इसी तरीके से। और आपकी मम्मी ऐसे तरीके से ही आपको मीठा नहीं देती है? अरे बट आपने अभी खाया है खाना, उसके थोड़ा तो ठहर जाओ। अरे बट मुझे मीठा नहीं खाया मैंने। मीठा नहीं खाया है मैं मानती हूँ। मैं अब वो माना ही नहीं तो मुझे अभी के अभी इसे बिस्किट पुडिंग निकाल के देनी पड़ी। वो खाएगा तभी ही लेसन करेगा। तो अब पढ़ाई करनी है तो थोड़ा बहुत हमें करना ही पड़ता है। यहाँ वो अभी पढ़ाई बिस्किट पुडिंग की लालच में ही कर रहे हैं अभी भाई साहब। अब मैं नमाज कुरान शरीफ पढ़ने के बाद अब आपसे मिलती हूँ। तो बच चुके हैं 11 रात के, नमाज हो चुकी है, कुरान शरीफ सारी चीज़ पढ़ ली है हमने, खाना पीना भी हो गया है, और अभी बस बैठ के बिस्किट पुडिंग खा रहे हैं। चलिए आइए, बोलिए बिस्मिल्लाह मेरे साथ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, टेस्टी है एकदम। अजान भी खा चुका है ये। और हाँ, बस यही था आज का व्लॉग। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे थोड़ा फीडबैक भी दीजिएगा। जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि मैं बराबर जा रही हूँ कि नहीं, और मेरे व्लॉग सही हैं कि नहीं। और इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के लिए, ईजी रेसिपीज़ के लिए। तो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ, बहुत मज़ेदार रही तो, या फिर व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।